नमस्कार, लाइफ टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिलन सिंह। मेरे साथ मेरे सहयोगी बड़ी जर्नलिस्ट राजेश कुमार जी हैं। प्रदेश सरकार के एक साल के जश्न के कार्यक्रम को लेकर अगर बात की जाए तो आज धर्मशाला में जो है इस कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, और इसको लेकर अगर बात की जाए तो तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू थोड़ी ही देर में यहां पर पहुंचेंगे, और जैसे वो यहां पर पहुंचेंगे पहले वो शोभा यात्रा में भाग लेंगे, और जितने भी स्कूली बच्चे हैं धर्मशाला के आसपास के वो आपको दिखाई देंगे कि इस रोड के एक तरफ जो है खड़े हैं। ट्रैफिक को ज़्यादा परेशान ना रखा जाए लोगों अभी। और तैयारियां आप देख सकते हैं, तैयारियां जोरों शोरों से हैं, अंतिम रूप है, और धर्मशाला का जो आम जनमानस है वो भी यहाँ मौजूद है, खासकर स्कूली बच्चे। और एक तरफ हिमाचल प्रदेश के पुलिस जवान जो हैं वो आपको दिखेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे आपको वहाँ दिख रहे हैं अलग अलग कल्चरों के, वैसे अगर आप आगे देखेंगे तो आपको आगे भी जो है जवान दिख रहे हैं। इसी कड़ी में जो है आपको उस तरफ जो है जवान दिखेंगे, और इसी अलावा स्कूली बच्चे, हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवान, और अलग अलग सांस्कृतिक सभ्यताएँ जो हैं दिखाई देंगी। जैसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुँचेंगे उसके बाद ये नाम दिया गया है, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं कांग्रेस के, पहले तो अपना नाम बताएंगे कहां से आए हैं, और अगर किसी पद पे हैं तो उसके नाम बताएंगे। मैं जिब्बल लाहौर कोटखाई से हूं, शिमला से, जिब्बल लाहौर कोटखाई से। मेरा नाम लोकपाल शेखोली है। मैं शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी के साथ यहां पे आया हूं, और जो आज कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है आज पूरे प्रदेश के लिए बड़े खुशी का माहौल है। और एक साल का जश्न हो रहा है, क्या कहेंगे? ये भी कहा जा रहा है कि 365 उपलब्धियाँ मुख्यमंत्री जी गिनाएंगे, लेकिन भाजपा इस पे कटाक्ष कर रही है कि 365 तो छोड़िए, 65 भी गिना देंगे तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, भाजपा का विपक्ष में बैठे उनका काम है, लेकिन जो दिख रहा है सब लोग जनता देख रही है कि अभी 9 महीने का समय हुआ है लगभग सरकार बनके, और जो है गारंटियाँ जो है 3 गारंटियाँ हमारी पूरी हो चुकी है, बाकी के अभी 4 साल पड़े हैं, सारे काम पूरे होंगे। आज के कार्यक्रम को किस प्रकार से देखते हैं? आज के कार्यक्रम के लिए जो हम जनता में उत्साह देख रहे हैं, हमारी जनता यहाँ पे आई है, जनता में पूरा उत्साह है। शुक्रिया जी। मेरा ये कहना है, जैसे आप कह रहे थे कि जो विपक्ष है कटाक्ष, मैं नहीं कह रहा था, भाजपा कह रही थी, मैं तो पत्रकार हूँ। मैं इस पे ही एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, अभी हमारी सरकार को बने 1 साल तो हो गया है, पर आप उसमें ये भी देखिए लगभग 4 महीने आपदा रही है, पूरे प्रदेश भर में त्राही त्राही मच गई थी, ये लग नहीं रहा था कि ये प्रदेश अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा। जिस तरह से रिस्टोरेशन का वर्क माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में इस प्रदेश में हुआ है वो सच में ही काबिल तारीफ है, और 365 दिन में 365 उपलब्धियां जब आपको मुख्यमंत्री जी बताएंगे वो एक हर प्रदेश के एक एक कोने में उनकी सारी उन्होंने करके दिखाया है। तो ये वो लोग थे जो कोटखाई से आए हुए हैं, जुब्बल कोटखाई से, ऐसा क्षेत्र है जो अपने सेब के लिए जाना जाता है प्रदेश भर में, और साफ तौर से कह रहे हैं कि 1 साल का जश्न हो रहा है, सरकार ने जो कार्य किए हैं वो किए हैं, आगामी जो वादे हैं उन्हें भी पूरा करेंगे, और अभी बहुत समय है, ये इनकी बात है। लेकिन खैर, इन्होंने हमसे बातचीत की, शुक्रिया आपका। लेकिन बड़ी बात है, पूर्व मेयर देवेंद्र जग्गी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि धर्मशाला नगर निगम में उलटफेर भी किया है, अब तो मेयर भी कांग्रेस समर्थन का है, और 1 साल का जश्न भी धर्मशाला में हो रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, व्यवस्था प्रबंधन का 1 साल जो है धर्मशाला में मनाया जा रहा है, और आप देख रहे हैं लोगों में कितना जोश है। मुझे लगता है कि जैसा कि 30,000 का इन्होंने आंकड़ा दिया उससे ज़्यादा ही लोग पहुँचेंगे। ये भी बातें कही जा रही हैं कि कांगड़ा में जश्न सरकार मना रही है, लेकिन कांगड़ा को क्या मिला, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? आप तो खुद कांगड़ा के नेता हैं। देखिए, कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है, टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट की उसके लिए इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट जो धरातल पर लाने की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी DPR वगैरह तैयार हो रही है, और आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि मैं भी कांगड़ा से संबंधित हूँ, और कांगड़ा में कैबिनेट रैंक के
जो चेयरमैन है आज बाली जी हैं, चंद्र कुमार जी हैं और बाकी एमएलए भी हैं, जितने भी एमएलए सारे ही मिलके काम कर रहे हैं। कोई राष्ट्रीय नेता आ रहा है नहीं आ रहा है? बिल्कुल, दिल्ली से राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं और फिलहाल हम आपको यहाँ पर दिखा रहे थे कि किस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है, किस प्रकार की हलचल है, लेकिन थोड़ी ही देर में जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे तो शोभा यात्रा के माध्यम से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइव टाइम्स टीवी के पेज को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।